हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जीके एंड जीएस के बारे में, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो आप इस क्लास को एंड तक देखना ना भूलें और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। तो हम आज सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। देखो, मानव जाति के सुनने की सीमा होती है, मानव जाति की जो सुनने की सीमा होती है वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज के मध्य होती है? 50 से 50 हज़ार हर्ट्ज, 40 से 40 हज़ार हर्ट्ज या 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज। मानव की जो सुनने की क्षमता होती है ना, वो 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज तक होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं थोड़ी सी की बात। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? पारद या फिर प्लेटिनम, सीसा, जस्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? पारद। क्या था पारद? पारद क्या होता है दोस्तों कि कमरे के जो तापमान होता है ना, उसी पर तरल अवस्था में ही बनी रहती है दोस्तों। ठीक है, और कम तापमान होने के कारण ये क्या हो जाती है? एकदम ठोस अवस्था में हो जाती है दोस्तों। ठीक है, प्लेटिनम और सीसा, जिंक, ये नहीं होती दोस्तों। ठीक है, इनको हाई टेम्परेचर पर पिघलाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ये आपको बताना है, डाई न्यूक्लियर एसिड, डाई ऑक्सी न्यूक्लियर एसिड या डाई राइबो न्यूक्लियर एसिड या डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको इसका सही आंसर है बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। देख लो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो डी आंसर है। क्या है? डी आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर। क्या माना गया? डी आंसर को इसका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि मानव मूत्र का पीला रंग रेगिस्तान की वजह से होता है, पीत नमक या कोलेस्ट्रॉल या लिम्फ या यूरोक्रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों? यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम के कारण जो मानव का जो मूत्र होता है दोस्तों, ठीक है, मूत्र होता है ना, उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। किसके कारण? यूक्रोम के कारण। किसके कारण? यूक्रोम के कारण। समझ में आ रही है बस? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? डीपीटी टीका होता है ना, वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो याद रखना, प्रति विषाणु टीका होता है या प्रति जो अन्नक टीका होता है या प्रति रिकेट सेल टीका या एक संयुक्त टीका। तो इसका सही आंसर है एक संयुक्त टीका होता है। ये क्या होता है? एक संयुक्त टीका होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आलू क्या है? जड़ या ठंडल, कली या फल? आलू क्या है दोस्तों? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ठंडल है। आलू क्या है? ठंडल है दोस्तों। आलू क्या है? ठंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों कि इंटरनल सर्किट या इंडिपेंड सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट या इन बिल्ट सर्किट। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट है दोस्तों। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड वेव रेगिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था, जॉन बार्बर या टिम अर्नर्स ली, एलन ब्लूमनी या डेविस ब्रूस्टर। तो इसका जो सही आंसर है ना वो क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है टीम बर्नर्स ली,
बर्नर्स ली इसका क्या दोस्तों आविष्कार करता था, किसका? वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव का क्या है? यस, आविष्कार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण या औषधि पौधे? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, आपको याद रखना है, जलवायु परिवर्तन है। क्या है? जलवायु परिवर्तन इसका क्या है दोस्तों, सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना है, मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ना दोस्तों, प्रत्येक साल के अंदर किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 25 मई, 25 जून। तो इसका सही आंसर है 21 जून के दिन मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 21 जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गंगा सागर मेला किस नदी में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों, पश्चिमी बंगाल। गंगा सागर मेला भरता है पश्चिमी बंगाल के अंदर भरता है दोस्तों। कहाँ पर भरता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर है, ठीक है, कि क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इस इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन थे? तो भीमसेन जोशी, रविशंकर या अमजद अली खान, अल्लाह रखा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों, रविशंकर है। क्या है? रविशंकर, सितार वादक जो कलाकार है ना वो रविशंकर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पुलितजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलितजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन, वैज्ञानिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रिका, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध? तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों, साहित्य एवं पत्रकारिता, साहित्य एवं पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों? तो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ए एस वेदा या के एम करियप्पा सुंदर जी या एस एच एफ जे मान मानकसो? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, मानकसो है। क्या है? मानकसो इनका, यानी डी आंसर इसका क्या माना गया है, सही आंसर माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि सूचना मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक, यानी कितने साल तक की है दोस्तों? तो 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, 5 वर्ष माना गया है। कितना वर्ष माना गया है? 5 वर्ष माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? थाना प्रभारी या निरीक्षक रेंज के थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक, सत्र के अधिकारी या किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा? तो इसके जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, पुलिस उपाधीक्षक के सत्र के अधिकारियों के द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वमुखी उत्पादन है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं? तो इसका सही आंसर है ज्वार। कौन सा है दोस्तों? ज्वार में मध्य प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़, मणिपुर और सिक्किम और नागालैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की सरकार ने ये मुहिम चलाई है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग की।
जो मंथली इनको क्या देंगे, देने वाली है, पैसे देने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिहाज से दूसरा सबसे सस्ता देश कौन सा है रहने के लिहाज से? भारत, अफ्रीका, भारत, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत है दोस्तों। कौन सा देश है? भारत देश है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, किसकी वृद्धि को प्रभावित है करता है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन रक्त में आरबीसी, रक्त में टी कोशिका, मस्तिष्क में ग्रे कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों? रक्त में टी कोशिका, रक्त में टी कोशिका को क्या करता है? कमजोर कर देता है दोस्तों। नेक्स्ट, अल्फा 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 लफा एक प्रकार का नाम, एक प्रकार का रेगिस्तान नाम है, खनिज जाति घास शहर। तो अल्फा लफा क्या है दोस्तों? घास का है, क्या है? घास है दोस्तों, ये क्या है? घास, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? मल्टीप्रोसेसिंग, मल्टीप्रोसेस में प्रोग्रामिंग, या रियल टाइम, या बैच प्रोसेसिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मल्टी प्रोसेसिंग है दोस्तों। क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग इसका क्या है? माना गया एकदम करेक्ट आंसर माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि एक जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं, एक जीबी के बराबर जो केबी होते हैं ना वो कितने होते हैं? 1000 केबी होते हैं, या 256 × 2 = 1024, या 1024 × 1024 = 1024 × 1024 = 128। तो इसका जो सही आंसर है ना वो 1024 × 1024 है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा है? सी आंसर को इसका क्या माना गया? एकदम करेक्ट आंसर माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि सी एफ सी में से, यानी सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन, सी एफ सी में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। सिग्मा प्रोटोकॉल, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व तो कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर, भितरकनिका हो गया, सिमलीपाल हो गया, ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, व्हेलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन, या अब्दुल कलाम, या वी सी रमन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि डेजर्ट फेस्टिवल रेगिस्तान में आयोजित किया जाता है? मरुस्थल, ये सॉरी बाड़मेर, जैसलमेर, सहारा, या थार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? जैसलमेर। तो मरुस्थल फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो जैसलमेर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घुमूरा, घुमूरा रेगिस्तान का लोक नृत्य, घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ए नंबर, यानी उड़ीसा का घुमरा है। कहाँ का है? उड़ीसा का घुमरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मेजर ध्यानचंद, या सत्यजीत रे। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है दोस्तों।